बाकी आप जो मेरे पीछे देख रहे हो यही था लाओ बाओ, और पीछे रहा वियतनाम का गेट और सामने है लाओस का गेट। अभी मैं हूँ दनांग में और आज मेरा वीज़ा एक्सपायर होने वाला है और अभी मैं जा रहा हूँ लाओस, क्योंकि कल एक्चुअली मेरा वीज़ा एक्सपायर हो जाएगा, तो उसके लिए मैं जाऊँगा लाओस। क्योंकि आपको जैसे पता है लास्ट टाइम लाओस में जब मैं गया था बीमार पड़ गया था और मैं वापस आ गया था, तो मैंने प्लान किया कि मैं लाओस जाऊँगा एंड देन थोड़े दिन वहाँ एक्सप्लोर करके वापस वियतनाम में आऊँगा वीज़ा लेके। और जो वियतनाम का ई वीज़ा होता है वो आप एक्सटेंड नहीं करा सकते, वन मंथ वाला। ये टैक्सी आई थी, इन्होंने मुझे हॉस्टल से पिक किया था और आप यहाँ से बस आएगी। बाकी ये कुछ ऐसे टिकट है जिसके मैंने पे किए हैं 7 लाख वियतनामी डोंग, जो कि मुझे उतारेगी लाओस बॉर्डर, और जो एग्जैक्ट जगह का नाम है वो है लाओ बाओ चेक पॉइंट लैंड बॉर्डर। तो भाई यही वाली बस है जो जाएगी, तो यहाँ पे भाई लोगों के साथ सामान वगैरह भी ये अलग से ट्रांसपोर्ट करते हैं। मोस्टली बसेज आपको ऐसी मिलेगी, ये ऊपर, ये नीचे, और बीच में भी एक और ये साइड में। बाकी सीट थोड़ी पतली हो जाती है लेकिन सबको अपनी प्राइवेसी मिल जाती है यहाँ पे। ऑल राइट, तो भाई मैं लाओस के बॉर्डर पे आ गया हूँ, जिसको वियतनाम की तरफ से जो बॉर्डर का नाम है वो है लाओ बाओ, और अभी मैं जा रहा हूँ इमिग्रेशन। और वही बस ने थोड़ी देर पहले उतार दिया, अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा है ये बस लाओस जा रही है कि नहीं जा रही है, क्योंकि मैंने टिकट ली है लाओ बाओ की और मेरे ख्याल से बस लाओस भी जा रही है। तो अगर ऐसा होता है तो मैं शायद उसी बस में कंडक्टर से बात करता हूँ और उसी बस में मैं चले जाऊँगा। सबसे पहले जाते हैं इमिग्रेशन, जो कि है सामने, यही है बॉर्डर। बाकी मैं वीडियो छुप छुप के बना रहा हूँ, मुझे अभी उसने मना कर दिया था वीडियो बनाने के लिए। और यहाँ पे काफ़ी ट्रक भी खड़े हैं अगर आप देखोगे। एग्जिट स्टैम्प लग गया है वियतनाम का और मैं अभी जा रहा हूँ वीज़ा के लिए जा रहा हूँ लाओस। बाकी आप जो मेरे पीछे देख रहे हो यही था लाओ बाओ, और पीछे रहा वियतनाम का गेट और सामने है लाओस का गेट। भाई ऑफिशियली लाओस में घुस चुका हूँ, अब जा रहा हूँ इमिग्रेशन पे, और जो इस लाओस की तरफ से जो नाम है उसका नाम है डनसावन। सामने रहा इमिग्रेशन। बाकी भाई जहाँ पे आप ये मतलब वीज़ा लेते हो सामने इमिग्रेशन ऑफिस है ये वाला, और इसी के सामने एक एटीएम है और आप यहाँ से कैश निकाल सकते हो। और जो इमिग्रेशन ऑफिस है वो डॉलर भी लेता है, वो कीप लेता है, कीप जो लाओस की करेंसी, और वो बीएनडी लेता है। मतलब मेरा मोटर बाइक वाला बार बार यहाँ पे बहुत सारे बाइक लेने वाले आ जाते हैं बुलाने कि चलो चलो हमारे साथ चलो। और अभी मैं कन्फ्यूज़ हूँ मुझे जाना कहाँ है, क्योंकि जो बस थी उसकी टिकट ली थी मैंने लाओ बाओ की, लेकिन वो बस मुझे पता चला लाओस के अंदर भी जा रही है, तो देखता हूँ अगर वो बस दिखती है कि नहीं दिखती मुझे भी।
तो भाई यही है जो होटल जो जहाँ पर मैंने कॉफ़ी ली, और ये होटल पे पहले मैं जा रहा हूँ। और गूगल पे देखा मेरे ख्याल से 600 रुपये के आसपास तक का होटल है, और मेरे ख्याल से सबसे एक्सपेंसिव होटल मिला है मुझे अभी तक का। अभी मैं एक जगह आया हूँ, इन्होंने 1 लाख किप का बताया था, मैंने पूछा कि 60,000 में कोई है तो वो मुझे अभी रूम दिखा रहे हैं, और 1 लाख वाला एसी वाला है, मैं क्या करूँगा एसी। तो भाई ये रूम मिला है मुझे 60,000 किप का, पहले मुझे 1 लाख में वो एसी वाला रूम दे रहे, तो भाई मैं एसी का क्या करूँगा। और ये कुछ रूम है ऐसा, और ये पता नहीं घर से ही बड़ा एक टॉयलेट है। तो सबसे पहले यार मेरे को जो मेरी सिम है वो लकीली अभी एक्टिव है, तो मैं इनसे जाके टॉप अप कराता हूँ उस सिम में, और ताकि मैं इंटरनेट यूज़ करूँ, वरना बहुत दिक्कत हो रही है यार। मैं लोगों के फ़ोन ले लेके उनके फ़ोन में गूगल ट्रांसलेट डाउनलोड करके उनको समझा रहा हूँ। तो भाई रूम में बस एक ही दिक्कत है कि यहाँ पे ना ताला नहीं है, कह रहे चाबी ही नहीं है ताले की। तो उन्होंने बोला कि जो भी वैल्यूबल है, तो मैं अपना बैग जो वैल्यूबल था वो साथ में लेके आया हूँ, दूसरे बैग में तो सिर्फ कपड़े ही हैं और कुछ है नहीं वैसे भी। तो भैया अभी मैं खाने के लिए ले रहा हूँ यहाँ से चिकन जो 25,000 का है, और राइस 10,000 का। भाई छोटे छोटे पीस करा रहा हूँ। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द चैनल। तो भाई रूम से मैंने चेकआउट कर दिया, और पास में एक शॉप पे मैं आया हूँ कुछ खाने का, क्योंकि जो रात में खाना लिया था मैंने, एक चावल में ज़्यादा खा नहीं पाया, कोई करी वाली सब्ज़ी नहीं थी, और चिकन से मेरा इतना पेट भरा नहीं, और तो थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ अभी, एक नूडल्स खाने आया हूँ अभी थोड़ी देर में आएगा। और यहाँ से मैं नेक्स्ट आने वाला हूँ साउथ की तरफ, पाक से पड़ता है सबसे पहला टाउन, तो मेरे ख्याल से यहाँ से मुझे वहाँ की बस मिल जानी चाहिए। बाकी ऐसा कुछ नूडल्स हैं और मैंने इनको बोला इसमें, और साथ में भी देते हैं स्प्राउट्स, और ये कच्ची सब्ज़ी और ये पत्ते वाली सब्ज़ी। थैंक यू। तो भाई ये है जैनो का बस स्टैंड, और मैं यहाँ से पाक्से की बस ली है, और उन्होंने बताया ये मिनी वैन जाएगी, तो ऐसे कुछ मिनी वैन है, और 3 घंटे की जर्नी बताई है, तो ऐसे कुछ मिनी वैन, और इसके मैं पे कर रहा हूँ 1,40,000। बाकी भाई 11 बजे बस चली थी, अभी 12:15 के पास एक पेट्रोल पंप पर स्टॉप लिया इन्होंने वॉशरूम जाने के लिए। परफेक्ट भाई, मुझे बस में यहाँ पे उतार दिया पाक से में, और मेरे को पता चला कि अभी 4 बजे से पहले एक बस जाती है दोनों दिन की, तो अभी मैंने यही शेड ये एक वैन किया और एक अभी बस लेने वाला हूँ। ये मिली है गाड़ी जो मुझे दोनदेत के पास तक नागासांग तक ले जाएगी, और वहाँ से मुझे एक फेरी करनी है, तो अभी मैं इसी पे ही जाऊँगा। और लोकल से पता चला है मेरे ख्याल से 100K लेते हैं नागासांग, और वहाँ से 50K दोनदेत की फेरी के लिए। बाकी मैं बस स्टैंड के पास ही एक ATM था, वहाँ से थोड़े बहुत पैसे निकाले, और इन्होंने जो चार्ज किए वो चार्ज किए 50
कि मैं दोबारा जा रहा हूँ, क्योंकि जो 2 दिन का आइलैंड है वहाँ पे मुझे पता है एटीएम नहीं है, और जो दुकानों में स्वाइपिंग मशीन होती है उससे निकाल लेने पड़ते हैं लोगों से, और पैसे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा लेते हैं। बाकी भाई कुछ खाने के लिए तो है नहीं, अभी एक दुकान ने पूछा था, मेरा दुकान बंद होगी अभी, यहाँ से कुछ फ्रूट्स वगैरह लेता हूँ सोच रहा हूँ। तो भाई बस थोड़ी देर में चलने वाली है, और मैंने कुछ फ्रूट्स और एक बन ले लिया जो मुझे पड़ा है टोटल 30,000 का, जिसमें 2 संतरे और एक बन। सच में बहुत थक गया हूँ, और यहाँ पे पूरा फुल सामान वान भर गया है, तो शायद मैं अकेला ही शायद ट्रैवल करके जा रहा हूँ, बाकी सब। तो भाई ये वही फिश है जो हमने ली थी, और ये दुका ओपन कर रही है।